सभी मेरे साथियों को जय हिंद। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि सीआरपीएफ ड्राइवर में आपने लिखित परीक्षा पास की है, इस भर्ती से संबंधित आपके फिजिकल के, ट्रेड टेस्ट के, मेडिकल के सभी डाउट इस वीडियो में दूर करेंगे। साथियों, मैं बता देता हूँ कि आपको पहले पता है कि सीआरपीएफ की ये जो ड्राइवर की भर्ती है वो 2700 वैकेंसी है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें स्टेट वाइज आपकी मेरिट है, इस भर्ती की दो मेरिट बनेगी, क्योंकि एक स्टेट वाइज, दूसरी ऑल इंडिया मेरिट, क्योंकि 2700 वैकेंसी है, वैकेंसी डिपार्टमेंट खाली नहीं रखेगा। तो वो स्टेट जहाँ से बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं बंगाल में डेढ़ गुना बच्चे पास किए हैं, तो डेढ़ गुना बच्चों में से ज़्यादातर बच्चों के पास लाइट लाइसेंस है, वो वैकेंसी खाली रहेंगी। इसके अलावा जो है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय, गोवा, यहाँ से बहुत ही कम बच्चे पास हुए हैं, यानी फार्म ही बहुत कम लगे हैं। ऐसे भी यहाँ के बच्चे बहुत कम जो है भर्ती देखते हैं। वो वैकेंसी किसको मिलेंगी? ऑल इंडिया की। तो इसीलिए जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी के भी जो मेरे युवा हैं, जिन्होंने जो इस 2700 के रिटर्न में पास हो रखे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, क्योंकि 2700 वैकेंसी आज तक किसी डिपार्टमेंट में नहीं निकली है। तो आप यदि अभी तक आपने रिटर्न क्लियर कर रखा है, आपका ट्रेड टेस्ट बाकी है, तो दो चीजें हमेशा याद रखो आप, कि आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एक ही डेट में होगा। दूसरी चीज, आपकी आप यदि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र से हैं, तो आपके लिए सीआरपीएफ में भर्ती होने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन स्टेट्स के बच्चे ऐसे भी ड्राइवर की भर्ती कम देखते हैं, और दूसरा बहुत ही कम बच्चे पास हो रखे हैं। तो साथियों, आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लो। तीसरी चीज, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट संपूर्ण भारत में है, इसीलिए आपको जो है हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल से आपको ड्राइविंग टेस्ट देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप समय रहते हुए जो है अपनी तैयारी कर लें। ऑल इंडिया मेरिट और स्टेट वाइज इसकी जो है मेरिट बनेंगी, क्योंकि वैकेंसी जो है खाली नहीं रहेंगी। और पिछले जो है मिशन रिक्रूटमेंट के तहत 2022-23 में जितनी भर्ती निकली हैं, CISF, ITBP, BASF, इन डिपार्टमेंटों ने जितनी मिलके भर्ती निकाली हैं, उतनी अकेली सीआरपीएफ ने भर्ती निकाली है। तो साथियों, आप अपनी फिजिकल की तैयारी समय रहते हुए, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लें, और जून के फर्स्ट वीक यानी आठ या नौ तारीख से आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जो है होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन चांस है। दूसरी चीज, बहुत सारे युवा सोचते हैं कि हमें गाड़ी चलाना आता है। दोस्तों, आपको गाड़ी चलानी भी आती है तो आपको रोड पे चलानी आती है। रोड पे गाड़ी चलाना और ग्राउंड ड्राइविंग ऑप्टिकल में गाड़ी चलाने में फर्क होता है, क्योंकि ऑप्टिकल में आपको गाड़ी दोनों तरफ के मिरर में देखते हुए, दोनों तरफ के ऑप्टिकल की लेंथ को भापते हुए आपको गाड़ी चलाना होगा। तो आप अपनी जो है तैयारी कर लें, समय रहते हुए फिर आपको समय नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा अवसर है आपको सीआरपीएफ की वर्दी पहनने का, सीआरपीएफ एशिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल ज्वाइन करने का। तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे शेरनियों, आप अपनी तैयारी कर लें समय रहते हुए। और एक चीज फिर अंतिम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एक ही डेट में होगा। ऑल इंडिया की जो है इसमें स्टेट वाइज आपकी मेरिट वैकेंसी है, ऑल इंडिया की भी मेरिट बनेगी, जो जिस स्टेट से बच्चे कम पास हो रखे हैं। तो अपनी समय रहते हुए तैयारी करें। सभी मेरे लाडलों को, शेरनियों को जय हिंद, जय भारत।